सुपरमार्केट सिमुलेटर। और जैसा तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने सुपरमार्केट में एक नया सेक्शन ओपन किया था। मैंने अपने सुपरमार्केट में कई सारे नए प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदे थे और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। और आज के दिन मैंने सोचा है अपने स्टोर को 3 गुना अपग्रेड करना है और अपना सारा लोन चुकाना है। एंड गाइस, एक और चीज, अब तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी अब रोज कंटेंट आता है। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो। चलो भाई गेम में चलते हैं। अभी अपन अपने सुपरमार्केट में आ चुके हैं। और भाई ये क्या चक्कर है, जितनी बार आओ बाल्टी अंदर क्यों रखी रहती, कौन साला कौन धक्का मार के जाता है इस बाल्टी को मेरे अंदर। बाकी इस बाल्टी को इसके अंदर डालना है, मैं इसके अंदर डालता है इसलिए ये अच्छी लगती है रखी हुई। ठीक है भाई, हर बार मैं उठा उठा के रख दूंगा यहाँ पे, अगर कोई बदमाशी करता है मेरे पीठ पीछे। ये पता नहीं बाल्टी कौन यहाँ पे यही फेंक के जाता है भाई, प्रॉपर यही फेंक के जाता है। लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। और ये फ्रिज आगे कैसे और वो पीछे कैसे, अरे ये क्या बदतमीजी चल रही है। बराबर में रखो इसको, बराबर बिल्कुल। ये बात भाई देख रहे हो कितना बड़ा हो गया अपना स्टोर, इससे पहले बस यही तक था और अभी तो तीन तीन ये भी लग रखी है। चलो, और बाकी भाई ये जो रेड कलर की बहुत गंदी है, इसको या तो बेच देंगे या कुछ कर देंगे। लेकिन एक सेकंड, -54 गाइस, पैसा नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, रुक जाओ। सबसे पहले मेरे को ये देखने दो क्या, ओ भाई ये आइटम मैंने ऐड करके रखी, ये मंगाने हैं मेरे को। लेकिन पैसा देख रहे हो तुम, पैसा बिल्कुल नहीं है, रुक जाओ। लोन वोन कौन सा चल रहा है, दोनों लोन चल रहे हैं कि एक ही लोन चल रहा है, ये तो देखने दो बैंक के। ओ भाई दो लोन चल रहे हैं अभी, शिट, आज के दिन पैसा कमाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा कमाते फटाफट और कुछ आइटम मंगाते। बाकी भाई क्या कर रहा है, आइटम नहीं है यहाँ पे, जो खाली हो जाते हैं उनकी टेप हटा दिया करना भाई, तो पागल सा है थोड़ा। फिर थोड़ी देर में आके बोल देगा भैया जगह नहीं है स्टोरेज रूम में, जगह कर दो, नहीं नया स्टोरेज रूम ले आओ। कोई बात है ऐसी आ जाता होगा नया स्टोरेज रूम, साले पैसा लगता है पैसा। ये हटाओ, ये भी हटाओ, सारे हटाओ फटाफट, जिससे कि ओके स्टोरेज रूम में बहुत जगह होगी। देख रहे हो कितनी सारी जगह। चलो भाई जमा, क्या जमा रहा है अभी, अबे ये सोडा फोड़ा मत जमाया कर यार, तू सोडा जमा के आ जाता पागल है। देख भाई इसने सोडा जमा दिए। और यहाँ पे क्या खत्म है, ओ ऑरेंज जूस खत्म हो गया। एक सेकंड रुको, इसको एक जगह से हटाओ, ठीक है बस अभी सही है। अब ये एक ही जगह जमाएगा बंदा ऑरेंज जूस, ऐसे ही खत्म करने। अब बस एक ही पैकेट मंगाऊंगा जिससे वो यहाँ रखेगा। रुक जाओ, ऑरेंज जूस लेके आ मार्केट में चलो। और भाई ये इससे पिछले एपिसोड में कुछ नया आइटम भी खुलवाए थे, वही शायद मैंने ऐड कर रखे हैं। हाँ यही चीजें ऐड कर रखी हैं, फ्रिज भाई 4 आइटम तो फ्रिज के ही हैं। अब फ्रिज में जगह बनानी पड़ेगी, 4 आइटम है ना। हाँ तो 1, 2, 3, 4 आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ऐसे ही आराम से नहीं आ रहे भैया, पैसे ला दे जल्दी कर दे काम। क्या कर रहा है तू ढीले आदमी, देख कितना आइटम लेके जा रहे लोग। भैया खुद तो नहीं खा जा रहा, कैश रुपए खुद तो नहीं खा रहा तू बेटा। अगर तू पकड़ा गया है कैमरा लगवाओ भाई, कैमरा इंस्टॉल करवाना पड़ेगा मेरे को मेरे यहाँ पे। कोई बात नहीं गाइस, अभी के लिए भरोसा रख के इस बंदे को रख तो रखा है मैंने, आज के दिन तो भाई इसी से पैसा कमाना पड़ेगा। और 250 रुपए हो गए, मैं मंगवा देता हूँ क्योंकि कल आऊंगा ना तो सारा पैसा कट चुका होगा। अरे नहीं अभी मेरे को थोड़ा बहुत और पैसा चाहिए भाई। कोई बात नहीं आने दो, शायद आज के दिन आ जाएगा। और भाई ये आइटम मंगाना यार, रात होने से पहले कर देता पैसा प्लीज ब्रो, प्लीज देख मैं प्लीज कर रहा हूँ तेरे को। इसको भी खोल देता हूँ, यहाँ पे कोई आएगा तो मैं काट दूंगा सामान वामान। अरे वैसे हो जाएगा। इसकी बिलिंग कितने की बैटरी, 21 रुपए। 3, 2, 1 ओके लेट्स गो, ये मंगवा दे प्लीज। ओ भाई परचेज कर दिया, मेरे को लगा था ये परचेज नहीं हो पाएगा। इनको मैं जमाता हूँ क्योंकि इनकी प्राइस वगैरह भी सेट करनी है। और कौन सी जगह खाली है ये बताओ मेरे को, ये जगह खाली है ना, पास्ता रखना है लेकिन यहाँ पे यार ये जगह फ्लोर रखना है। ओ भाई ये तो दिक्कत वाली बात हो गई है, इसको तो रखवाता हूँ यहाँ पे। चलो और इस डब्बे को यहाँ रखवाओ, इसकी प्राइस सेट करते हैं अपन 12। भाई कितना महंगा, इस पे मार्जिन देख रहे हो 6 रुपए का भाई। सही है, ये चीजें बिकने लग गई ना तो मजा आ जाएगा। अरे तू ये मत, ये आदमी है पजामा है भाई, पजामे का पजामा है यार। रुक जाओ एक चीज और मंगवाने, तो फर्नीचर में चलते हैं कोई छोटा सा। अरे यार 100 रुपए कर दे यार, लो अब शायद आ भी नहीं सका, आ जाएगा कर दे ब्रो। ओके लेट्स गो, मैंने छोटी वाली परचेज कर दी लेकिन कर दी क्योंकि ना कल आता मैं पैसा कट जाता मेरा, दिक्कत हो जाती। इसको लगवाते हैं यहाँ पे एंड अभी मैं ये सारे सामान जमवाने वाला हूँ, आ जाओ भाई लेट्स गो, एक एक करके जमवाता हूँ। अबे अच्छा फ्रिज का आइटम, ओए इसको यहाँ, ओए रुक जा क्या जमा रहा है इसमें, दूध हटा, दूध सिर्फ एक में जमाना ठीक है। ये फ्रिज का आइटम है ना, इसको यहाँ रख, चलो लेट्स गो, इसको यहाँ रखो, इसकी प्राइस सेट करो 5.18 कर देते हैं अपन। नहीं अरे ज्यादा हो जाएगा 15, पहले लॉस में चल रहा हूँ। चलो लेट्स गो अगला आइटम जमवाते हैं। ये भी साइज फ्रिज का आइटम है, हाँ फ्रिज का आइटम है, इसको यहाँ रखवाते हैं। और ये दो सेल्फ में आएगा, नहीं दो सेल्फ के लिए मेरे को जगह नहीं है। इसमें अपन रेट डालते हैं 7.30 रुपीज, 3 रुपए कम दे रहा हूँ, 3 पैसा कम दे रहा हूँ, 3 पैसा। चलो भाई अगला आइटम है हनी, हनी बी का हनी है भाई, हनी ले लो तुम लोग, ये यहीं पे आ जाएगा सबसे बढ़िया चीज। इसको यहाँ रखवाओ, इसकी प्राइस सेट करते हैं अपन 11.20, पूरे पैसे में निकालेंगे भाई हनी ठीक है। इसके बाद है अपने पास अंडे की ट्रे यहाँ रखवा देते हैं, छोटी वाली भाई क्या प्यारी लग रही है देख रहे हो। चलो लेट्स गो, इसकी प्राइस है 2.10। डन भाई, सारे आइटम जितने भी नए नए थे वो मैंने जमवा दिया, सबसे ज्यादा पैसा इसमें। और ये शायद इडली है, नहीं मोजरेला चीज है भाई, भाई भाई मोजरेला चीज का डब्बा, कौन सी चीज का डब्बा। इसको बंद करते हैं और यहाँ रखते हैं। चलो बाकी, अरे तू यार तुम पागल हो क्या भाई, आगे वाली खाली है ना, समझ में ना आ रही तुम्हें। ये 40 रुपए, तू बता भाई तेरा कितना पैसा हो रहा है, 2.10 ले, तू भी लेके फटाफट सारे पैसे ले लो तुम लोग। 162 रुपीज हो गए आज के दिन, लेकिन ये खर्च नहीं कर पाऊंगा मैं, बताओ भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई बात है कल के दिन आऊंगा, ये सारा पैसा कट चुका।
होगा देखना तुम, एक सेकंड देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। पहले इनकी बिलिंग कर लूं मैं, 4 रुपए चाहिए ले, पूरे 5 रुपए लेके जा भाई तू। इसको बंद करते हैं, आज का दिन अपन समाप्त करते हैं भाई। और आज के दिन अपने को प्रॉफिट हुआ तो अच्छा खासा है, लेकिन कल के दिन आऊंगा और भाई -154। चीज और ऑलिव ऑयल की प्राइस बढ़ गई है। ऑलिव ऑयल का है, ऑलिव ऑयल तो होगा मेरे यहाँ पे। ओह ये रहा, 2 ऑलिव ऑयल के पैकेट है 6.54 का बिकेगा आज के दिन ये। चलो ठीक है, ऑफिस को मैं ओपन कर देता हूँ और प्राइस किसकी घटी थी भाई वो और देखते हैं, वरना ये लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं। प्राइस किसकी घटी है, अरे कहाँ है दिखा दो। ओके डार्क कॉफी की घट गई है, और काय की घटी है, ओके ब्लीच की घटी है। ब्लीच तो शायद मेरे यहाँ है ही नहीं, डार्क कॉफी होगी। एक सेकंड, डार्क कॉफी भी खत्म भाई। बहुत गंदा लोन चल रहा है, बहुत गंदा लोन चल रहा है। ये जुप जुप सोडा पड़े, अरे इनको जुप जुप करके पी जाओ तुम लोग भाई। देखो ये भी नहीं जमा रहा, क्योंकि सब चीज जमी हुई है जो है ना, वो सारी चीज जमी हुई है मेरे जहाँ तक, और आइटम है ही नहीं मेरे। वाओ भाई आज के दिन बहुत खतरनाक लॉस में हूँ, बहुत खतरनाक यार। भाई दुकान का आधा पोर्शन बेच नहीं सकता क्या मैं? एक सेकंड यार, अभी तो बैंक का लोन भी इतना चल रहा है, आज के दिन इतना प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा जितना तो माइनस में, क्योंकि आधा आइटम ही नहीं है। देखो शिट गाइस, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी शॉप आज के दिन रिकवर हो पाएगी। इसको खोल देता हूँ फटाफट करते हैं आज की बिलिंग, लाइन नहीं लगवाएंगे किसी की। और यार ये मंगवा दो यार, मैं बताऊं गाइस क्या कह रहा हूँ, मैं सारे वो आइटम मंगवाने वाला हूँ जिसमें बहुत ज्यादा भयंकर वाला प्रॉफिट होता है। जैसे कि हो गया ये, जितने भी महंगे महंगे आइटम है ना वो सारे मंगवाने वाला हूँ। रुक जाओ भाई रुक जाओ, पहले पैसा कमाने तो फिर देखेंगे। 43 रुपीज भाई, इतने रुपए आते हैं लेकिन ना ऐसे झटके से चले जाते हैं। ला भेला पैसे दे, चल भाई लेट्स गो। मेरा आज का जितना भी माइनस का था वो खत्म होने वाला है, बस एक कस्टमर और। अरे तू क्या लेके आया है भाई, ले 2 रुपए लेके जा, चलता बन। अभी 24 रुपए आए, आज की पहली बोनी हुई है मेरी भाई। बैंक वाले मुस्टंडे भेज देते मेरे यहाँ पे वसूली करने भाई। महंगे कर दूं क्या सारे आइटम? महंगे कर देता हूँ जिससे मजा आ जाएगा। दिया है काट दिया है 30.60 रुपए, अरे नहीं कम काट रहा हूँ 30.60, अरे ज्यादा काट लिए तो मैंने। गाइस मेरी बुद्धि सनक गई है, जैसे इंसान की जेब से पैसा खत्म होने लगता है ना, बुद्धि सटक ही जाती है। ले भाई आप, ओ ये हुई ना बात, ऐसे लेके जाओ आइटम तब आएगा मजा। अरे लेकिन फिर भी 30 रुपए का आइटम लेके गया है पूरा। 50-35 ले जा भाई तू, ले जा आज जितने पैसे ले जाने मेरे से ले जाओ, मैं पहले कंगाल हूं और थोड़ा कंगाल हो जाऊं। चलो अभी देखते हैं क्या आइटम मंगाना है मेरे को। अभी मैं महंगा महंगा आइटम मंगा रहा हूं, जैसे टॉयलेट पेपर हो गया ठीक है, और एक इसके अंदर चीज मोजरेला चीज बिक्री है कि नहीं बिक्री भाई? मोजरेला चीज तो बिकी नहीं रही है, क्या करूं इसका? ठीक है छोड़ो अभी के लिए, मैं फोकस करता हूं एक ये बेचने में। एंड और क्या बिकता है महंगा? इसकी प्राइस घटी है, ये ले लेता हूं ठीक है। और बिकता है अपने यहाँ पे डार्क कॉफी, इसकी भी प्राइस घटी, ये ले लेते हैं। लेट्स गो, इतना आइटम तो मंगाते हैं भाई। बताओ ये आइटम नहीं मंगा सकता मैं? गिने चुने आइटम मंगवाने पड़ रहे हैं मेरे को। 11.35 ले भाई, चलता बन फटा। अरे एक एक आटा क्यों लेके जा रहे हो यार? मेरी शॉप पे कुछ होगा भी तो नहीं। 30 पैसे लौटाने इसको, 1 2 3 और 1 2 3 4। चल भाई चल 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 चल, चल। इसको परचेज करते हैं भाई। ये आइटम जमवाओ सबसे पहले, ये क्या है? ब्लीच है क्या ये? कहाँ रखी जाती है? यहाँ रखेंगे। चल भाई इसकी प्राइस कितनी है? 3.78 रुपीज। चलो लेट्स गो, अगला क्या आइटम है मेरे पास? डार्क कॉफी। डार्क कॉफी कहाँ रखी जाती है भाई? यहाँ पे रखी जाती है। डार्क कॉफी लेके जाओ, डार्क कॉफी लो भाई, डार्क कॉफी। अगला है मेरे पास क्लिंट, इसको यहाँ रखते हैं। लेट्स गो, चल भाई इसका प्राइस सही है, प्रॉपर है। इसका प्राइस सेट करते हैं 9.12 रुपीज। फटाफट आइटम खरीदो यार तुम लोग, मैंने सारा सामान जमवा दिया है जितना मंगवाया था, बस आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट और हो जाए मजा आ जाएगा। लो भाई अभी 100 रुपए का और आइटम मंगवा सकता हूँ, मैं मंगवा देता हूँ क्योंकि कल के दिन वो माइनस नहीं लगवाना है मेरे को। अभी क्या मंगवाऊं भाई? जो भी महंगा आइटम बेचता था ना वो सब मंगवा रखा है मैंने ठीक है। शुगर पाउडर मंगवा देता हूँ एक, अब है कि नहीं ये नहीं पता है मेरे को मेरी शॉप पे। और ये दूध मंगवा देता हूँ, एक ऑरेंज जूस का पैकेट एंड एक सीरियल, एक ब्रेड एंड एक पास्ता। भाई इतनी सी उम्मीद है मेरी। लो ये भी नहीं मंगवा सकता मैं, अरे लाइट जलाओ होने वाली है रात, रुक जाओ। इनकी बिलिंग करता हूँ, शायद मैं वो आइटम मंगवा पाऊंगा जल्दी। 12.85 लेट्स गो। नेक्स्ट ब्रो जल्दी ये बात। चल चलता बन जल्दी। ओहो 38 रुपीज, अरे पागल है क्या थोड़ा सा? चल जा जल्दी। अरे हट जाओ मैम, हट जाओ एक सेकंड रुक जाओ। ये परचेज, लेट्स गो, परचेज कर दिया मैंने। कुछ और आइटम आया भाई कल का पैसा कटने से पहले, वरना कल वसूली वाले आ जाएंगे, वसूली करके ले जाएंगे। चलो भाई चलो लेट्स गो, और पैसा आ रहा है आज के दिन थोड़ा बहुत। बिल वगैरह पे कर दूंगा इसका, 40.05 रुपीज काटना है वो कल के लिए। वसूली वालों को देने के लिए भी पैसे रखने पड़ते हैं भाई मेरे को थोड़ी बहुत, वसूली वाले ना मेरी गुद्दी लाल कर दें वो। चलो भाई ओके क्लीन डिस्क, ये बात ऐसी महंगी महंगी आइटम खरीद के लेके जाओ तुम लोग। 262 रुपीज का हो गया है मेरे पास आज का अमाउंट, रुक जाओ इसको मैं कुछ चुका सकता हूँ क्या बैंक में? अरे यार अर्ली पे ऑफ भी 465 रुपीज का है, बाकी ये सारे पेमेंट्स। मैं मर गया भाई आज के दिन, मैं मर गया हूँ। 2 जने और है मेरे यहाँ पे कस्टमर्स, ये मैक्स टू मैक्स 350 रुपए पहुंचा देंगे, बाकी देख रहे हो तुम। पूरा का पूरा मेरा स्टोर खाली पड़ा है यार। अबे ये आइटम जमा, एक सेकंड, ये का भैया चचा, अरे भोस
गाइस आज का दिन समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। पता नहीं आदमी काम क्यों नहीं कर रहा, पैसा वैसा नहीं दिया इसलिए काम नहीं कर रहा क्या? अरे वाटर बोटल और पास्ता सुगाटी, अरे मेरा -65 रुपीज रह गए। हेलो भाई एक सेकंड, वो रिस्टार्ट करके आन दोगे? हाँ अब आया ना साले काम पे, देख देख शकल देख, साड़े की शकल देख भाई, काम नहीं कर रहा था वो आदमी, वापिस बाल्टी अंदर आ गई, इस बाल्टी को यहाँ रखा, बाल्टी बढ़िया लगती है, बाल्टी नहीं फेंकूंगा मैं, ठीक है। बाकी पेंट में क्या करूं, पैसा ही नहीं है पेंट करने जितना। चल भाई अरे ऑफिस ओपन कर, ऑफिस कह रहा हूँ मैं, अरे मेरा शॉप ओपन कर। चलो आज के दिन थोड़ा बहुत सामान मैं भी जमवा देता हूँ, मैं थोड़ा सा गरीब हो गया हूँ गाइस, गरीब हो गया हूँ। ब्रेड रखवाओ यहाँ पे, ठीक है सारी ब्रेड रखवा दी, अभी इसको फेंको बाहर। आज के दिन यार मैं लोन चुका दूं ना तो मजा आ जाए, छोटा वाले ही सही, क्योंकि छोटे वाले को 5 दिन का टाइम दिया था, छोटे वाला लोन मेरे को सिर्फ 5 दिन में चुकाना है। 100-100 रुपए काट रहा है रोज के, देखो 315 ही रह गए आज के दिन, और शायद मैं आज के दिन ये 315 चुका दूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, शॉप भी ओपन है अभी तो। बाकी क्या, हाँ जमा जमा सही है, चलो जमा रहा है ये बंदा, जमा रहा है मतलब इतना सामान तो है अपने यहाँ पे। जुप सोडा रखी है और अबे ऑरेंज जूस रखना इसकी गुद्दी। अच्छा भाई ने ऑरेंज जूस जमा दिया है, भाई देरी नहीं करता बिल्कुल है, इसको यहाँ रखवा देते हैं। और अभी मैं चलता हूँ फटाफट यहाँ पे, और ये जो ऑरेंज वाला है ना, नहीं यहाँ एप्पल वाला, एप्पल वाले को हटाओ बस, ये जो नीचे सोडा रखा है और ये दोनों सोडा रखे, इनका एक एक लेबल हटवाना है मेरे को सिर्फ, और कुछ नहीं करना, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। चलो आज के दिन अच्छा खासा आइटम है कि मैं 300 रुपए तो कमा सकूं। मैडम सॉरी, मैडम सॉरी, मैं हाथ ही जोड़ता हूँ आपके, आप क्यों माइनस करने में लगे हो मेरी लेवल। एग एग मंगा रही थी ना, वो एग मांग रही थी, एग रख लेता हूँ मैं, वैसे सारी चीजें मंगानी मेरे को आज के दिन। तो एक काम करता हूँ, जो जो आइटम नहीं है ना, मतलब जो जो आइटम अभी मंगवाए थे वो नहीं मंगवा रहा, जैसे फ्लोर हो गया, ये सब ऑयल ये नहीं मंगवाए थे, ये मंगवाने वाला हूँ आज के दिन। पास्ता मैंने मंगवा लिया है, पास्ता नहीं चाहिए, शुगर पाउडर चाहिए, चीज, वाटर बोटल, एग, मिल्क, सोडा सोडा नहीं चाहिए, ऑरेंज जूस नहीं चाहिए, एप्पल जूस नहीं चाहिए, मिल्क भी रखा हुआ है, सोडा भी रखा हुआ है, ऑलिव ऑयल, फ्लोर, पीनट बटर, पास्ता, और शायद 10 आइटम हो गए। पास्ता मंगवाया कि नहीं, फ्लोर लास्ट यहाँ तक हुआ है, पीनट बटर से मंगवाना है अब मेरे को, ठीक है। नीचे आज के दिन 229 रुपीज आने दो, इसको मैं खोल देता हूँ स्टोर को, ठीक है। आओ भाई जल्दी जल्दी आओ मेरा, अरे लोगों में मार्केटिंग करके आता हूँ। गाइज गाइज सस्ता सामान ले लो, सस्ता सामान ले लो, रस्ते का माल सस्ते में ले लो, रस्ते का माल सस्ते में ले लो। हेलो सर, सुनो सर, सुनो मेरी बात, सर मेरी बात सुनो, सर आपके घर का राशन सस्ते में दे दूंगा, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे दो सर। बैंक जा कह रहा है आदमी, मैं ये देखो, अबे फुटलाइन वहां, अरे फुटलाइन कह रहा हूँ, जेबरा क्रॉसिंग, अरे जेबरा ऐसे कर रहा हूँ मैं, अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। अबे कौन लेके जा रहा है मेरे को? हेलो हेलो सर, सर माल ले लो, माल ले लो, रस्ते का माल सस्ते में ले लो सर, सुनो तो सही मेरी बात, अरे बात सुनो मेरी, कोई नहीं बात सुनो। हेलो भैया टैक्सी वाले भैया, अरे टैक्सी छोड़ो पीछे सवारी बैठ, अरे पीछे कांच बंद कर रखे हैं भाई, भाई का धंधा बड़ा है यार, क्या ही करे, मेरी शॉप पे कस्टमर आ रखे उनको देखता हूँ मैं। लो मैडम काट दीजिए फटाफट, 11 रुपए काटूं आपके, 11 रुपए भाई, अब से GST भी लगाना पड़ेगा इन लोगों के, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, मैं क्या ही बताऊं भाई। 14 रुपए का आइटम लेके जा रही है, 85 रुपीज चाहिए इस औरत, 85.90 अलग चाहिए। चल भाई इसको बंद करो, 113 रुपए हो गए बस भाई, बस थोड़ा बहुत और थोड़ा ले मैं स्टोर खोल ही देता हूँ अपना, ठीक है। चलो फटाफट चाहिए, 229 रुपीज हो रखे मेरे पास, जल्दी कर दो भाई, कितने का बिल बैठ रहा है? अरे 2-2 रुपए का आइटम मत बेच भाई, मना कर दे, बोल दे भाग जाए यहाँ से। अबे मोजरेला चीज खत्म हो गई, अरे भैया मैं क्या ही बताऊं भैया, मेरे जीवन में बर्बादी चल रही है, बस 29 रुपीज देने इसको। चल भाई चल निकल यहाँ से फटाफट। ओ ये बात, मैडम ने खरीदा है माल, 51 रुपीज, लेट्स गो, हो गया मेरा काम। अभी मेरे को आइटम मंगा के आंदो है, आइटम मंग जाएगा सही, अरे नहीं 29 रुपीज का आइटम है। आओ आओ कोई एक और बंदा आ जाओ, एक और बंदा आ जाओ, सालो बताओ अब इधर खड़े हैं लोग, 70 रुपए का बिल है भाई, 48 परचेज कर दिया भाई, सारा आइटम परचेज कर दिया, अभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, अभी किसी चीज की कमी नहीं भाई। इसको कहाँ रखवाना था, ये वाला आइटम कहाँ रखा जाता है मेरे को कोई बताएगा? अच्छा यहाँ रखना है। चलो भाई अभी वापस से मेरा पूरा स्टोर भरने वाला है, लेट्स गो। मेरे जहाँ तक आज के दिन मंदी नहीं आनी चाहिए। पानी की बाटली यहाँ जमवाओ, इसको बंद करके यहाँ रखो, ठीक है। दूसरा है मेरे पास मिल्क, मिल्क को रखवाना है मेरे को, कहाँ रखवाना है? ओके नीचे नीचे आएगा, लेट्स गो। मिल्क के भी एक्स्ट्रा सामान है मेरे पास। चलो भाई अगला है मेरे पास आटे, आटा है भाई, आटा कहाँ रखना है? आटा एक सेकंड यहाँ पे रखेगा आटा। चलो लेट्स गो, आटा भी रख दिया मैंने। अगला मेरे पास सामान है टी ब्लैक। अबे टी ब्लैक किसने मंगाया? टी ब्लैक पहले से पड़ा था यार, रुक जाओ कुछ आइटम और मंगा के आन दो, ठीक है। मैं टॉयलेट पेपर, डिश और ये सब मंगवाने वाला हूँ, इसमें बहुत प्रॉफिट है। लेट्स गो 287, नहीं रुक जाओ कुछ माइनस करने दो, ये आइटम तो मंगवाओ कम से कम, वरना 9 बज जाएंगे अभी, लफड़ा हो जाएगा। ओके मेरी यहाँ पे लोग बाकी हुए हैं। हेलो सर, 7.56 रुपीज का बिल हुआ है आपका, आप बताइए मैडम। एक एक हनी की बोतल लेके जा रहे हैं 30 रुपए भाई, खुल्ले ही कराने आते हैं लोग। चलो 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 लेट्स गो। एंड अगला है 10.36 रुपीज। ओ भाई लाइन लग रखी है आगे वाले में। चलो आज के दिन मस्त एकदम पैसा ही पैसा आने वाला है मेरे पास। अरे 9 भी बज गए लेकिन ठीक है, कल वसूली वालों के लिए पैसा भी आ गया मेरे पास, करीबन 125 भाई। जे बात, 35 रुपए का इतना सारा आइटम ले जा रहा मेरी शॉप से, देख रहे हो भाई मैं पब्लिसिटी करके आया था ना, इसलिए आज इतने सारे बंदे आ गए। चल भाई चल 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 जल्दी जल्दी चल। आप बताइए सर, 19.80 रुपीज का आपका बिल बनाया, आप जा सकें अब। शायद आज के दिन कोई नहीं आने वाला है और कल वसूली वालों के लिए भी अच्छा खासा पैसा आ गया। अगर आज 300 हो जाता है ना तो मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक में जाके लोन ही चुका दूंगा, 315 रुपए हो जाएगा भाई। दो ही जने हैं लेकिन, अरे यार एक और
जाना, आ जाओ कोई। वैसे अगर मैं रात भर खुली रखू ना गाइस तो बहुत देर देर में आ जाता है। मैंने एक दिन देखा है कि मेरी शॉप खुली रह गई थी और रात में लोग आ रहे थे। बताओ, कॉफी, डार्क कॉफी चाहिए 280 भाई। वो इसका बिल बैठा दे यार, इसका अच्छा खासा बिल बैठा दे यार, थोड़ा सा यार 313 रुपए चाहिए, बस 313 रुपए। शेट भाई मुश्किल होंगे, 30 रुपए देके जाएगा। अरे भाई 5 रुपए कम रह गए, 5 मैंने बोला था ना, 5 रुपए और दे जाओ कोई, 5 रुपए दे जाओ। बताओ कोई बात है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं खुद खरीद सकता हूँ ब्रो। अरे मेरी जेब में भी तो पैसा नहीं होगा। गाइस क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, मैं 5000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। अच्छा मेरी लेवल 20 हो गई। डिंग 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 भाई, लेकिन नहीं, मैंने देख लिया भाई, ये दो लोन लेके देख लिया, आज के दिन में फुल कंगाली में हूँ। अगर ये लोन भी मैंने ले लिया है ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसके रुपए देख रहे हो कितने लौटाने पड़ेंगे, 8000 रुपए, 5000 के 8000 रुपए लौटाने पड़ेंगे 25 दिनों के अंदर अंदर। अभी नहीं ले रहा भाई, अभी नहीं ले रहा। अगर हो सकता है तो कोई एक कस्टमर आ जाओ रात में, इसलिए खुली छोड़ रखी है, बस 315 रुपए करा दो मेरे यार। ये बंदा जमा रहा है इसलिए भी खोल रखी है। खैर ये बंदा थोड़ा बहुत आइटम जमा दे तो मजा सा आ जाए। चलो भाई अभी के लिए तो इसने सारा आइटम जमा दिया, तो क्यों ना स्टोर को बंद ही कर दिया जाए, थोड़ा बहुत तो लोन कट ही जाएगा। खैर कल चलो लेट्स गो। आज का मेरा टोटल प्रॉफिट है 370 का, और जब सोडा की प्राइस बढ़ गई है 2.48 रुपीस का हो गया ये, और बाकी दो चीजों की प्राइस घटी थी वो, और प्राइस घटाने दो। बाकी आज के दिन मैं लोन ले सकता हूँ, लेकिन क्या इस लोन से मैं सारा पैसा रिकवर कर पाऊंगा, तो ये लोन लेने का मतलब है यार। रुक जाओ लेकिन एक सेकंड देखने दो, प्राइस किस किस की घटी है आज के दिन, चीज और मिल्क। चलो ठीक है, चीज की प्राइस हो गई है 3.02 एंड मिल्क की प्राइस हो गई है। अरे भाई इतना प्राइस क्यों घटाते हो, 2.64। लेट चलो भाई क्या ही कर सकते हैं, शॉप ओपन करते हैं। और गाइस आज के दिन मैं लेने वाला हूँ लोन, मुझे नहीं पता मैं क्यों ले रहा हूँ, लेकिन इसको फुल करके, क्योंकि अगर एक कम दिन का करूंगा तो रोज के 1000 रुपए पेमेंट कटेगा, इससे अच्छा है इसको करते हैं 25 दिनों का। और मैंने फाइनली लोन ले लिया है, और भाई जो छोटे छोटे लोन है ना सबसे पहले इनको चुकाओ। लेट्स गो, गए दोनों लोन गए भाई। चलो जिसको मैं सारा आइटम मंगाने में खर्च कर सकता हूँ, लेट्स गो। एक एक करके मैं सारा आइटम मंगा रहा हूँ, जुप सोडा बुप सोडा के अलावा ये मैंने टी ब्लैक तक मंगा दिया है 10 आइटम। लेट्स गो परचेस करो, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब चीज की कमी है, मुझे एक एक तो मंगवानी पड़ेगा। और नहीं भाई ये सोडा नहीं मंगवा रहा, कोको सोडा नहीं मंगवा रहा मैं, बहुत पड़ा है। एप्पल जूस भी शायद पड़ा है, लेकिन ठीक है एप्पल जूस मंगवा सकते हैं। मिल्क ये सोडा नहीं मंगवाना, ऑलिव ऑयल, फ्लोर, पीनट बटर, सॉल्ट, ओके सॉल्ट नहीं मंगवा पा रहा, डन इसको परचेस करो। सॉल्ट से मंगवाते हैं कैंडी, चॉकलेट, योगर्ट, डिशवॉशर, क्लीनर, ब्लीच एंड सोप नहीं मंगवा पा रहा। चलो ओ भाई कितना जल्दी जल्दी पैसा कट रहा है, हैंड सोप मंगवाओ, शैम्पू, टॉयलेट पेपर, हनी, चीज, चीज मोज़रेला। चलो लेट्स गो, अभी बस ये लास्ट लाइन मंगवानी है। और मेरे जहां तक मैंने सारा आइटम मंगवा दिया है, और अभी मेरे पास 2400 रुपए है। ठीक है कम से कम कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, लोग बाग खरीद के लेके जाएंगे आइटमों को, सबसे बढ़िया चीज है भाई। देखो चलो थोड़ी थोड़ी देर में जब सोडा बुप सोडा खत्म हो जाएगा फिर एक एक कर दूंगा इनको 12.88। लेट्स गो अगला हो, अगला हो। अब मैं अपना ये स्टोर बंद करता हूं, थोड़ा बहुत जमवाने में मदद करता हूं। बहुत बढ़िया भाई मेरा स्टोर वापस से भरने लग गया। और ओए ओए ये मत करो भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अरे इसको यहाँ रख दे भाई, साले जल्दी जल्दी जमा दे, ये चीजें मेरी यहाँ से जानी नहीं चाहिए कहीं। इसको उठाओ, इसको रखो, इसको उठाओ, इसको रखो, इसको उठाओ, इसको रखो। अरे कहाँ रख दिया, चलो ठीक लेट्स गो भाई। मैंने सड़क से साफ कर दिया, नहीं ये बच गया। चलो अबे अबे ये फेंके क्यों जा रहा है, इनको यहाँ रख लेना भाई। ओ भाई कितना सारा आइटम मंगवा दिया है मैंने, देख रहे हो तुम। चलो ये जमवाओ, ये जमवाओ भाई जल्दी जल्दी। अरे चेकआउट फुल नहीं है, इसको खोल दो, इसको खोल दो, लोग बाग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है वहां पे भी थोड़ी बहुत लाइन लगा लेंगे, मैं जब तक सामान जमवा रहा हूँ। ये है वाटर बॉटल जो कि मुझे पता है रखी जाती है यहाँ पे, इसको रखवाओ यहाँ। बाकी बचा हुआ डब्बा यहाँ रखो, इसके अंदर है ऑयल, ऑयल भी रखवा दिया है मैंने। ये मेरे पास है थोड़े बहुत अंडे जो कि रखे जाएंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे भाई, अंडे रखने की जगह। अच्छा ये अंडे रखे हुए तो हैं यहाँ, चलो ठीक है। बचा मेरे पास दूसरा कंपनी का आटा, सुप्रीम आटा है जी, सुप्रीम आटा महंगा वाला आटा था जो आया तुमने कभी देखा। अरे इसको कहाँ रखूं, हनी भी, अरे हनी की बोतल कहाँ रखूं, हनी की बोतल भी रखने की जगह नहीं है क्या। अच्छा हनी की बोतल यहाँ रखी जाएगी, चलो भाई लेट्स गो। हनी की बोतल रख दी है मैंने, और क्या अभी क्यों कंप्लेन कर रहे हो ये लोग, अरे बावले हो गए क्या थोड़े से। रुक जाओ ये कहाँ रखूं, ये क्लीनर कहाँ रखनी, अच्छा यहाँ रखना है, आधी तो चीजें भूल जाता हूँ कौन सी कहाँ रखनी है। चलो रुक जाओ एक सेकंड रुको गाइस, एक मेरे को काम याद आया है, वो काम ये बैंक में चलते हैं, पेमेंट में जाते हैं, ये सारी चीजें पेमेंट कर देते हैं। बिल पेमेंट पता नहीं कौन से डे का बिल पेमेंट है, प्री पास्ट ड्यू भाई, लेट पेमेंट फीस भी लग, गाइस लेट पेमेंट फीस भी लग रही थी अभी तक, और कितना सारा पैसा कट गया देख रहे हो। शिट भाई मुझे पता ही नहीं था मैं लेट पेमेंट फीस भी लगती है, और भाई बहुत कस्टमर आ रखे हैं। रुक जाओ सबको निपटाने दो पहले, ठीक है। हेलो मैडम आपका बिल हो गया, चलो आगे चलिए। अच्छा सर आप बताइए आपका बिल भी हो गया है, लेट्स गो भाई। देख रहे हो ऐसे बिलिंग कर देता हूँ मैं, उसकी तरह थोड़ी है वो छोटा आदमी है। चलो सर आपका बिल भी हो गया है, आप बताइए मैडम आपका बिल भी हो गया है, लेट्स गो आप बताइए सर आपका बिल कितना है, 22.28। चलो ओ भाई इसको बोलते हैं सामान लेना, जे बात भाई ने लिया दिल खोल के सामान, बीवी आई होगी साथ में, छोड़ो गाइस। अरे अभी काम पे फोकस करेंगे, 22 रुपए देने इसको 22। चलो जा सकते हैं आप, लेट्स गो भाई इसको बंद करते हैं। आज का अच्छा खासा मुनाफा किया है मेरे जहां तक मैंने, बाकी तू सामान जमा रहा है ना, हाँ जमाता रहे, मैं भी जमवाता हूँ देख थोड़ा बहुत।
तेरे साथ। ये है मेरे पास कुछ तो नया आइटम था शायद, ये कहाँ पे रखा था मैंने, अच्छा यहाँ रखा हुआ ये आइटम। चलो भाई ये आइटम मैंने यहाँ रखवा दिया, इसको रखवाते हैं यहाँ पे। आज की रात कोई भी चीज है ना ऐसे खाली नहीं दिखनी चाहिए मेरे को, बस इतना जानता हूँ मैं। टॉयलेट पेपर खाली दिख सकता है क्योंकि हाँ ये है ही नहीं अब इसका, तो क्या ही करें। ये क्या लाया हूँ मैं, ये नया आइटम है क्या? फ्रिज का आइटम है ये, तो नया आइटम है भाई। ये बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने कि रखवाना है अंदर। हेलो हराम करो, इसको रखवाओ यहाँ पे। एंड इसके बाद है मेरे पास कुछ योगर्ट्स, योगर्ट रखवाओ भाई यहाँ। चलो भाई लेट्स गो, मेरे जहाँ तक सारा आइटम जमा हुआ है मेरी शॉप पे। मुझे नहीं लगता कुछ आइटम नहीं है ऐसा कुछ, है ना भाई, सारा आइटम है कि नहीं है भाई। लेकिन मैं अभी खुश हूँ, लेकिन ये दिख रहा है भाई लोन छोटा मोटा नहीं है। आज का दिन खत्म करते हैं, कल के दिन पे पहुंचते हैं जल्दी से, और आज का प्रॉफिट ही नहीं है बल्कि लॉस है। कोई बात नहीं भाई, जिप सोडा और सीरियल्स की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, घट गई बढ़ गई मतलब कुछ तो हुआ है। तो ये सोडा में कुछ हुआ है क्या, 2.47, या फिर ये वाले सोडे की प्राइस बड़ी घटी, देखने दो। बाकी सीरियल्स में कुछ तो अंतर हुआ है, ये वाला नहीं है, दूसरा सीरियल्स होता है ना, क्या पता भाई कौन सा। ये पता नहीं क्या ही सामान जमा रहा है, जो जमाने की चीजें वो तो जमाता नहीं है। मैं जमवाता हूँ भाई, मैं जमवाता हूँ, रुक जाओ। क्या क्या रह गया इसके पास, क्या आइटम पड़े, रुक जाओ। कुछ नया आइटम दिख रहे हैं भाई तुम लोगों, तुमको क्या कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे? कुछ नया तो नहीं है भाई, ये तीन डब्बे पड़े हैं, ब्लैक टी के 3 डब्बे पड़े हैं, मिल्क के 2 ही हैं शायद, लेकिन ठीक है मिल्क में ज्यादा है भी नहीं। सोडा भी खूब पड़ा है मेरे पास, जब सोडा खत्म हो गया शायद, है ना। के बाद मेरी शॉप पे कौन सा आइटम नहीं रखा हुआ है, ये आइटम मैंने रख दिया, ये आइटम रख दिया, ये आइटम रख दिया। शुगर पाउडर, वेर इज शुगर पाउडर ब्रो, तू साले कहां गायब कर रहा है चीजें। शुगर पाउडर तो मेरे को दिखाई नहीं, और जो मैंने 2 बार मंगवा दिया है शुगर पाउडर, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों। भाई ये चक्कर क्या है, ये क्या है भाई, मेरा आइटम गया कहां, गाड़ियों से खिसकता खिसकता आगे तो नहीं चला जाता मेरा आइटम। एक सेकंड भाई, सब्जी के डब्बे रखे हैं, कोई चुरा के तो नहीं लेके क्या। ओए भाई तुम लोगों के सामने मैंने मंगवाया यार, रिवाइंड करो भले, शुगर पाउडर मंगवाओ ठीक है। एग 4 पैक वाला मैंने रख रखा है, बस ये शुगर पाउडर की कमी है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वाला ये रखा है क्या कहीं, रुक जाओ देख क्या है। तो भाई क्या पता मेरी नजर का धोखा हुआ, भाई कोई नजर का धोखा नहीं हुआ है ही नहीं कहीं। प्राइस तो सेट है इसकी 12 रुपए, कहीं तो रखा है यार ये, कहीं तो रखा है, पक्की बात है कहीं तो रखा है, मेरी नजर में नहीं आ रहा है, क्या पता भाई। छोड़ो भाई ये कहां ले जा रहा है, ये तो जमा दिया ना तूने, अच्छा चल हाँ जमाएगा वैसे, अच्छा एक बच रहा है, बुद्धि तो है तेरे में। अच्छा पीछे आगे भी रखने की है कहीं, तो जगह मैंने रखवा रखा, चलो सही है भाई इसमें बच रहा होगा, हाँ अभी एक बच रहा है। लेट्स गो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सारे आइटम वापस मंगवाए जाए, और कितने आइटम है इस बार सारे मंगवाऊंगा, क्योंकि अब जब सोडा बुप सोडा भी सब खत्म होने लग गया मेरा। ये वाला सोडा खूब पड़ा है, ये नहीं मंगवा रखो, और ये ट्रुक सोडा रुक जाओ एक सेकंड देख क्या, ये जो है यहीं कहीं रखा था सोडा, ओ खत्म कर दिया भाई ने, ये रहा 24 रखा हुआ है ये वाला, और कोक वाला सोडा कहाँ रखा है ये पता मेरे। ओके ये रखा हुआ, देखो देखो तुम पहुंच करके देखो भैया, सोडे सोडे की लगी हुई है ये, देखना ये देखना यहाँ पे भी रखा हुआ है भाई, ये दोनों सोडे बहुत रखे हैं भाई, ये इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाले ये जो दोनों सोडे ना, एक तो ये और एक ये वाला सोडा, भाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। बाकी ये मंगवा देता हूँ मैं सारे आइटम, ठीक है एग तक मंगवा दिए, लेट्स गो। इसके बाद मिल्क, टी ब्लैक भी बहुत पड़ा है, ऑरेंज जूस सोडा नहीं चाहिए, एक जब सोडा चलेगा, एप्पल जूस, मिल्क, पीनट बटर, फ्लोर, ऑलिव ऑयल, और राइस रखी हुई है कि नहीं, विदाउट सेटिंग इट्स प्राइस, किसकी प्राइस बिना सेट करे बेच रहा हूँ मैं, शिट गाइस किसी की तो प्राइस बिना सेट हुए बिक रही है मेरे यहाँ पे, और मुझे ही नहीं पता है, मुझे क्यों नहीं पता है क्या बेच दिया मैंने बिना प्राइस सेट करे, सबकी प्राइस तो सेट कर रखी है, माता घूम जाता है भाई, लिखा हुआ आया अभी मैं नहीं जानता। ओ ओ 5.42, शिट गाइस मैं ये बिना प्राइस सेट कर ही बेच रहा था, बताओ यार। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने सेट कर दिया, अभी मैं मंगवा रहा था लाबा सॉल्ट, ठीक है सॉल्ट तक आ गया था मैं, सॉल्ट कहाँ है ये रहा। रासमती 22 कहाँ बिक रही है मुझे ये बताओ जरा, रासमती 22 भी नहीं, राइस अरे 22 कह रहा हूँ मैं। कैंडी मंगवाओ, केक मंगवाओ, केक मंगवाओ, सीरियल्स, चॉकलेट, चलो भाई ये आइटम भी मैंने सारे मंगवा दिए। अभी ये सीरियल्स है ना ये वाली, इसकी प्राइस नहीं घटाई थी मैंने, इसकी प्राइस है 4.50, लेट्स गो। चल भाई अभी, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है जी, इसको खोलो खोलो, ये बेचारे घूमते रहेंगे वरना। चल भाई काट दे अपना, 34.55 रुपीस काटो इसके। अगला है, ओ भाई ये बात, इसको 80 रुपए देने, 20 ये वाले 80 रुपए देने, चल 85 लेके जा तू भी, क्या याद, बंद कर दूं इसको। लेट्स गो भाई, आज के दिन सारा पैसा वापस खर्च हो गया है, सिर्फ 723 रुपीस बचे, लेकिन ठीक है आइटम बहुत है मेरे पास, जो कि शायद मेरी शॉप पे रखने के बाद मेरा 5000 का पैसा रिकवर नहीं कर सकते यार, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो आइटम है ना मेरा 5000 का पैसा रिकवर कर पाएंगे, पता नहीं ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आई गाइस, क्या मुझे धंधा बंद करना पड़ेगा। चलो भाई लेकिन मुझे नहीं लगता यार ये 5000 का माल होगा मेरे पास, अगर ये पूरा 5000 का माल हुआ ना तो भाई मजे है भाई, क्योंकि मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, बस मुझे इतना चाहिए, अगर मैं खड़ा भी रहूं ना तो मेरा पैसा रिकवर हो जाए बस, दिस मच आई वॉन्ट। बाकी जमा क्यों नहीं रहा है या रख देना भाई, अंदर पड़ी है बाटलियां, अच्छा खैर भाई के लिए काम भी तो हैवी हो गया। योगर्ट है क्या, योगर्ट, योगर्ट जमा देता हूं मैं तेरे लिए, चल इसको भा देता हूं, इधर रखवा देता हूं, तू ले लियो। लेट्स गो, अभी भाई कोई बिल तो नहीं आया, बिल देखूं मैं पहले, वरना बिल भाई लंका लगवा देते हैं, बिल कहां है, बिल यहां पे आएगा पेमेंट। ओ भाई ये देखो इसकी ड्यू डेट है 40 डेज, 3 डेज लेफ्ट, डे 36 चल रहा है, बताओ उसके बाद ये लेट पेमेंट फीस लगाने लग जाएंगे। छोड़ भाई मैं पेमेंट कर ही देता हूं, ठीक है पेमेंट कर दिया मैंने इसका, पता नहीं काई चीज का बिल ले आते हैं, लेकिन मैंने लाइट चला दिया, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, आज बंद ही रहेगी, अब 3-4 दिन लाइट बंद ही रहेगी भाई, मेरा कोई काम नहीं है। चेकआउट सर फुल, अरे ऐसे कैसे मैडम, इसको खोलो, आ जाओ इधर, आ जाओ भैया, 19.80 रुपीज, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ।
ओ जे बात, भाई साहब सामान लेके जा रहे हैं, हल्का थोड़ी है। 4 रुपए देने हैं सर को, 4.40.7 रुपए। चलो अगला भाई, देख रहे हो तुम? ठीक है, मेरे यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, पैसों की कमी चल रही है। 79 रुपीज का आइटम लेके जा रही है, 79.95। लेट्स गो, अगला आइए सर, अगला आइए। थोड़ा अंधेरा है आज के दिन, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, पैसों की कमी है भाई, और कोई दिक्कत वाली बात। वो आइटम बहुत ले जा रही है, तुमको पता नहीं दिख रहा और नहीं दिख रहा पता नहीं। 61 रुपीज का आइटम लेके गया ये बंदा, 41.46। अगला है मेरे पास ये बंदा, 37 रुपीज का, 0.87। चलो भाई अभी हो रही है ना बिलिंग, फटाफट फटाफट भाई। यार मैं लाइट जला के दिखाऊं तुम लोगों को, बहुत आइटम लेके जा रहे हैं लोग। 35.38। लेट्स गो, इसको बंद कर देते हैं, और अभी के लिए मैं लाइट जला ही देता हूं, यार बहुत लोग हैं यहां पे। और ये चेकआउट खोल देता हूं मैं, वरना ये आदमी पता नहीं कब तक ही चेकआउट करेगा। चलो भाई लेट्स गो, कस्टमर्स आ जाओ। अरे हेलो हेलो मैम, मैम हेलो, मैं डेस्क के ऊपर खड़ा होकर बोल रहा हूँ इन लोगों को। देखो वापिस यहीं से जा सकता हूँ, यहाँ से जाके यहाँ आ जाओ सर, आ जाओ। ये क्या नहीं जमा रखा तूने, ब्रेड क्यों नहीं जमा रखी? करूँ मुद्दी लाल इधर ना माने। एक सेकंड, कोई कस्टमर आया, इसको निपटाऊं पहले। देखो देखो कितना कितना आइटम भाई, ये तो फिर भी बहुत कम लेके जा रही है, बहुत आइटम लेके जा रहे थे। 9 रुपए लेके गई है बस। चलो ये बात, ऐसे कस्टमर आया तब मजा है। ये क्या, इसको क्या नहीं मिला? अरे भाई वीडियो रिमाइंड करके बताओ कमेंट्स में। चलो भाई लेट्स गो, आगे बताओ कोई। अब लाइट बंद कर देता हूं, मेरा कोई काम नहीं। ठीक है लाइट बंद करो, मेरे को पैसे का बिल नहीं भरना है। लोन टेकन, पेमेंट रिमेनिंग, पेमेंट ठीक है भाई। टोटल डेबिट 7800 का, पता नहीं क्या टोटल डेबिट बता रहा है भाई। अभी मेरे को 7800 का पेमेंट करना है इस बंदे को, देख रहे हो। स्टोर की लेवल भी अच्छी खासी बढ़े जा रही है जल्दी जल्दी। बाकी कोई तो बंदा आया मेरे यहाँ चेकआउट कराने। ले भाई कैश दे दिए मैडम, और इसको 19 रुपए देने आ रहे, ये दिखता भी तो नहीं है मेरे को। चलो मैडम इस चेकआउट को बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि लाइट जला नहीं रखी मैंने। लाइट जला दूं क्या भाई, इतनी कंजूसी सही नहीं है। लेकिन नहीं भाई कंजूसी, देखो 5000 लोन पे चल रहा है मेरा डिपार्टमेंट। चलो पहले तो लाइट जला, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा ऐसा लोग बता रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा, इतना आइटम ला ला के रख दिया। मैं जमाऊं क्या यार, लेते जम नहीं रहा, ये जमा दिया मैंने। ठीक है इसको रख दे अब कोने के अंदर। ये क्या है, डिश वॉशर, इसको रखवाओ यहाँ, और इसको रखो बच्चों को यहाँ। ठीक है अगला क्या है मेरे पास, पीनट बटर, पीनट बटर यहाँ रखते थे ना भाई छोटू। अच्छा यहाँ रख, पीनट बटर भी रख दिया भाई मैंने, इसको रखवाओ यहाँ पे। अगला है मेरे पास डिश वॉशर, इसको रखो यहाँ। चलो इसको रखवाते हैं, बचा हुआ यहाँ। अगला है मेरे पास हैंड वॉश, अगला है मेरे पास ये छोटा पैकेट वाला अंडा है, छोटा पैकेट वाला अंडा ले लो, छोटा पैकेट वाला अंडा यहाँ रखा जाएगा, इसको रखवाओ यहाँ। अगला है मेरे पास सॉल्ट, जो कि जमा ही रहता है हमेशा यार, इतनी सॉल्ट की बोतलें कोई लेके नहीं जाता। चलो सॉल्ट भी बहुत पड़ा होगा, मैंने अंदर देखा नहीं कितना सॉल्ट पड़ा है। ऑलिव ऑयल यहाँ रखवाना है, ऑलिव ऑयल, अच्छा ऑलिव ऑयल नहीं है, सिंपल वाला ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है भाई। ठीक है ये चॉकलेट की यहाँ रखवानी है बाटलियां, ठीक है इसको भी यहाँ रखवाओ। बचा हुआ है मेरे पास आइटम योगर्ट, जो कि योगर्ट भी बहुत ज्यादा आ जाता है एक बार में, योगर्ट भी नहीं रखवाना है, यहाँ रखवाओ। अगला है आइटम मेरे पास ये, ए जो रखे हुए चीजें वही क्यों आ रही है मेरे पास, कुछ ऐसा आइटम नहीं है कि जो नहीं रखा हुआ हो। शुगर, शुगर पाउडर ये भी रखा हुआ है, और शुगर पाउडर ऐसे पैकेट में कौन देता है मुझे को ये बताएगा। ओके ये कुछ नया आया मेरे पास, ये इधर दो, इधर दो, ये जमवाओ यहाँ। ठीक है और कहीं पे खाली हो तो वहाँ और जमवा दूं, ये महंगा आइटम है कि नहीं। अच्छा 5 रुपए का आइटम है, छोड़। ये मेरे पास वाटर बोटल, यहाँ जमवा रखवाओ यहाँ। ये है मेरे पास सुसु, ओ भाई सुसु भी तो नहीं बिक्री होगी मेरे यहाँ, सुसु कहाँ बिकती है भाई, मेरे यहाँ सुसु बिकी नहीं रही है, देख रहे हो यहाँ रखी हुई। भाई सुसु की जगह कहाँ है? अच्छा ये रखा, अरे ऊपर पूरा जमा पड़ा है बाजार, छोड़ इसको रखवाओ यहाँ। अगला है मेरे पास कोलिन, कोलिन तो खूब पड़ा है, ये और दिखाइयो, ये भी जमा पड़ा है। चलो भाई लेट्स गो, आज का दिन समाप्त करते हैं, कल के दिन थोड़ा बहुत पैसा कटेगा, चलता है कोई बात नहीं। और आज का दिन 550 रुपीज का प्रॉफिट है, और स्लाइस ब्रेड की प्राइस घटी है आज के दिन, सही है। चलो ज्यादा चीजों की प्राइस नहीं घटी, 4.72 रुपीज। लेट्स गो, 1400 रुपए का बिल है मेरा, मतलब बिल कह रहा हूँ मैं, आज के दिन कितना पैसा कटा है देखने दो। रोज का कितना पेमेंट ले रहा है ये 5000 वाला, बता भी तो नहीं रहा है। डेली पेमेंट नहीं लिखा हुआ है इसमें, डेली पेमेंट लिखा रहता है, पता नहीं इसमें डेली पेमेंट क्यों नहीं लिखा है साले, पता नहीं भाई। मैं शॉप ओपन कर देता हूँ, इन चीजों को बिकने देता हूँ। अब मैंने सारी चीज जमा दी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो मेरी शॉप पे। वैसे है ये पास्ता है शायद, जो कि मेरे पास्ता यहाँ रखा हुआ है, ठीक है इस पास्ता को उठा के, पास्ता ये, चलो लेट्स गो, पास्ता यहाँ रखा हुआ है। और क्या नहीं जमा हुआ यहाँ पे, टॉयलेट पेपर और नॉर्मल पास्ता, अरे भैया पास्ता जो रेड वाला पास्ता है वो, और टॉयलेट पेपर्स कहाँ है, टॉयलेट पेपर, दो टॉयलेट पेपर मंगवा दिए, टॉयलेट पेपर बहुत जल्दी जल्दी बिक रहे हैं इसलिए, ठीक है। और ये कौन सा, ब्लीच, 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 ब्लीच है, हाँ ब्लीच, ठीक है ब्लीच भी मंगवा दिया एक पैकेट। इसके बाद मेरे पास क्या नहीं है, ओके इसके बाद मेरे पास मिल्क की 6 पैकेट वाली बोतल नहीं है, मिल्क की 6 पैकेट वाली बोतल कहाँ है, ये लेट्स गो भाई, ये सब चीजें भी मंगवा दी है। थोड़ी बहुत मैं रखवा देता हूँ, थोड़ी बहुत ये रखवा देगा, ये 6 पैकेट वाली बोतल जो की आएगी यहाँ पे। एंड इसके बाद है, अच्छा टॉयलेट पेपर, ये तो टॉयलेट पेपर यहाँ रखवा दूँ, टॉयलेट पेपर ही है ना ये, क्या नाम है इसका, रुक जाओ भाई देखने दो क्या लिखा हुआ है, अरे हट जाओ ना भाई, पता नहीं। अभी पास्ता, हाँ ये पास्ता जमवा रहा है। चलो लेट्स गो भाई, अभी के लिए सारा आइटम मैंने जमवा दिया, बाकी इस पे लिखा हुआ क्या है, देखो इस पे लिखा हुआ है टॉयलेट पेपर ही गाइस, टॉयलेट पेपर ही, सही है भाई। चलो बाकी अपने शॉप पे आइटम बिक रहा है, लोन वोन धीरे धीरे करके चुक जाएगा। बाकी आज के दिन बहुत गंदा घाटे में हूँ, आज के दिन तो भाई मेरी शॉप पूरी खाली भी हो चुकी थी एक बार के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैंने वापस बड़ा लोन लेके पूरी शॉप भर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें मेरी शॉप को भरता हुआ देखना है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक कर दो, मेरी शॉप भर जाएगी भाई। लेकिन आज के दिन भाई कुछ भी बोलो, मेरी शॉप बहुत ज्यादा घाटे में, कितनी मेरी शॉप भरी हुई हो लेकिन शॉप जितनी भरी हुई है उतनी ज्यादा घाटे में। बाकी अपनी शॉप को तो लोन मुक्त कर देंगे।
लेकिन तुम लोग जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे ऐसी तगड़ी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।